हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट टू देखेंगे। दोस्तों ये आपको क्लास ट्वेल्थ का सेकेंड मॉड्यूल है। दोस्तों सेकेंड मॉड्यूल जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका पार्ट टू देखेंगे। पिछली वीडियो में पार्ट वन हो गया था, ऐसे ही दो और पार्ट आएंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टेलर ने थ्योरी निकाली थी साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल के, उसका आज के इस वीडियो में मीनिंग जानेंगे, मीनिंग डिटेल में देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा। और प्रिंसिपल्स देखेंगे, वो थ्योरी के चार प्रिंसिपल्स बताए हैं F.W. टेलर ने, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा, बहुत ही बच्चों को ये कन्फ्यूज होता ना होता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स दोनों पार्ट आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक फादर कहला जाते हैं, यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे F.W. टेलर है। उन्होंने एक थ्योरी निकाली थी, थ्योरी में उन्होंने समझाया था कि जो आपकी कंपनी में आपके वर्कर्स काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं और आपके जो मैनेजर्स काम करते हैं, उनसे अपना बेस्ट कैसे निकलवाएं और चीप यानी कम खर्चे में उनका बेस्ट कैसे निकालें बोल के उन्होंने एक थ्योरी लिखी है, जिसका आज हमें उसी थ्योरी की आज हमें मीनिंग जानना है। और उस थ्योरी में उन्होंने चार प्रिंसिपल्स देके अपनी थ्योरी समझाई है, वो चारों प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं वो आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो चलिए मीनिंग की तरफ आते हैं। मीनिंग में क्या कहा, मीनिंग में देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ F.W. टेलर, यानी F.W. टेलर ने ये मीनिंग दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सो दोस्तों F.W. टेलर यहां पर क्या कह रहे हैं, F.W. टेलर कह रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, कुछ बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जस्ट ये है। साइंटिफिक मैनेजमेंट आने जो आपके वर्कर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है, आपको ये जानना जरूरी है, पहले आपको ये समझना, यानी पहले आपको नोविंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, ये आपको ये जानना जरूरी है कि आपको अपने वर्कर से क्या काम करवाना है। और साथ ही साथ आपने सोच लिया कि आपको क्या करवाना है और आपको ये देखना है एंड सीइंग दैट, और आपको ये देखना है कि वही काम आपके वर्कर्स बेस्ट तरीके से और कम पैसों में कर रहे हैं नहीं, वही देखने को हमें कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी आपको पहले यह समझना जरूरी है कि आपको मेन काम क्या करवाना है अपने एम्प्लॉयज से, और साथ ही साथ आपको वही काम आपके वर्कर्स अच्छे से अच्छा और कम से कम पैसों में कर रहे हैं नहीं, ये जानने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बनाई है F.W. टेलर ने दोस्तों। सो दोस्तों अब तक हमने मीनिंग समझ लिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है मीनिंग, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स। टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट समझने के लिए चार प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत ही बच्चे इन चारों प्रिंसिपल्स में कंफ्यूजन करते हैं। सो हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई गड़बड़ी हमें नहीं है दोस्तों। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर क्या कह रहे हैं, आपको साइंस फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब आपको फॉलो करना नहीं है। थोड़ा साइंस हम साइड में रखते हैं, रूल ऑफ थंब क्या होता है वो समझते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कंपनी में यूजुअली क्या होता है, कंपनी में मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो तो वो क्या करते हैं, अंदाजे में ले लेते हैं, अंदाजे में ले लेते हैं, हाँ ले ले कर ले काम ये। सो कुछ भी जजमेंट ले लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो यहां पर टेलर कह रहे हैं वैसा रूल ऑफ थंब आपको फॉलो करना नहीं है। आपको छोटे से छोटा डिसीजन लेना हो, आपको बड़ा सा बड़ा डिसीजन लेना हो, आपको साइंस फॉलो करना है, यानी साइंटिफिकली आपको उसका रिसर्च करके आपको उसे वो डिसीजन लेना होगा। आपके कंपनी में छोटा सा छोटा काम रंदे या तो फिर बड़ा सा बड़ा काम रंदे, आप अगर साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे तो आपका बहुत ही सारा पैसा, टाइम, एनर्जी ये आपका बचेगा बोल के यहां पर आपके टेलर कह रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, साइंटिफिकली सोचो, रूल ऑफ थंब फॉलो मत करो बोल के टेलर कह रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल में हार्मोनी फॉलो करो बोल रहे हैं, नॉट डिस्कॉर्ड, यानी आपके कंपनी में भाईचारा मेंटेन रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो बोल के बोल रहे हैं। अब जैसे आपकी कंपनी में मेन एसेंशियल होते हैं मैनेजर्स, मैनेजर्स क्या करते हैं, मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं। जैसे ओनर्स ने कुछ डिसीजन लिया, वर्कर्स को बताते हैं, वर्कर्स का कुछ प्रॉब्लम हो तो ओनर्स तक लेकर जाकर पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में भी लड़ाई होती है, तो उस टाइम इन्होंने क्या कहा टेलर ने, आप मेंटल रेवोल्यूशन फॉलो करो। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है मैनेजर्स को और वर्कर्स को यह समझाओ कि दोनों इंपॉर्टेंट है कंपनी में, अगर दोनों काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में मदद होंगे और दोनों का इंटेंशन ये होना चाहिए कि कंपनी के गोल्स अचीव हो।
सो यहां पर उन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल लिया जापानीज कंपनी का। जापानीज कंपनी क्या करती है, वहां के अगर कुछ वर्कर्स अगर नाराज रहे तो वो उसे स्ट्राइक पे हड़ताल पे नहीं जाते, वो क्या करते हैं ब्लैक तरह का बैच पहनते हैं। इससे जो मैनेजर्स होते हैं वो समझ जाना कि हमारे वर्कर्स नाराज है, और वो जब वो ब्लैक पेज पहनते हैं तो वो क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं कि उन्हें सिंपैथी मिल सके। सो ये एक फॉलो करना चाहिए बोल के टेलर कह रहे हैं, ये जापानीज कंपनी का रूल फॉलो करना चाहिए आपके मैनेजमेंट में बोल के बोल रहे हैं। सो सेकंड क्या कहा, आपको हमेशा सद्भाव रखना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बोल के टेलर अपने सेकंड प्रिंसिपल में समझा रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल कह रहे हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो वो क्या कर रहे हैं थर्ड प्रिंसिपल में कह रहे हैं आपको टीम में काम करना चाहिए, कोऑपरेशन में काम करना चाहिए, कोऑपरेटिव होकर काम करना चाहिए, ना कि एक एक से इंडिविजुअल में काम करना चाहिए। अगर इंडिविजुअल में काम करेंगे तो अपने पर्सनल गोल्स का सोचेंगे, अगर टीम में काम करेंगे तो टीम स्पिरिट बना रहेगा। सो टीम वर्क में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे दोस्तों। सो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपके मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के वर्कर्स की सलाह लें, कुछ भी डिसीजन लेना है तो वर्कर्स की आप अगर एम्प्लॉयज की सलाह लेंगे तो उन्हें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और वो भी अच्छे से काम करेंगे। और वर्कर्स का या ये काम बनता है कि वो अनयूजुअल और अनवांटेड अनरीजनेबल स्ट्राइक्स ना करें, काम बंद ना करें, तभी आपकी टीम स्पिरिट बनी रहेगी। तब तक आपकी टीम स्पिरिट बनी नहीं रहेगी। और एक बात यहां पर कह रहे हैं, अगर आपके वर्कर से आपका काम अच्छा लगे तो आप उन्हें कुछ मोटिवेशन के लिए, आप उनके मोटिवेशन के लिए आप उनके सैलरीज बढ़ा दें या तो फिर उन्हें प्रमोशन दे बोल के यहां पर टेलर हमारे थर्ड प्रिंसिपल में कह रहे हैं। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल एंड लास्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फोर्थ प्रिंसिपल में ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उन सबका डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर आप कंपनी का डेवलपमेंट चाह रहे हो तो कंपनी का डेवलपमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट ज्यादा पाने के लिए। अगर आप पर्सन का डेवलपमेंट चाह रहे हो तो उन्हें प्रमोशन देना चाहिए, उन्हें सैलरीज बढ़ानी चाहिए, वैसे आपके कंपनी में जो इंप्लॉयज है उनका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के लिए भी उन्होंने कुछ चार चीजें बताई है इनके प्रिंसिपल में। डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट ऐसे होगा आपको राइट पर्सन सेलेक्ट करना होगा राइट जॉब के लिए, और जिसकी क्या कैपेसिटी है उनको वही काम देना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें प्रमोशन देना चाहिए, सैलरीज में इंक्रीमेंट देना चाहिए, तभी उनके एम्प्लॉयज का आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। यहां से अगर एम्प्लॉयज डेवलप होंगे तो आपकी कंपनी भी डेवलप हो जाएगी दोस्तों। ये चार प्रिंसिपल्स आपको टेलर समझाना चाहते थे उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में दोस्तों। चार प्रिंसिपल क्या थे, फर्स्ट उन्होंने कहा साइंटिफिकली फॉलो करो, रूल ऑफ थंब फॉलो मत करो वाला। सेकंड बोले हार्मोनी यानी भाईचारा मेंटेन रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो बोल के उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल में कहा। थर्ड में उन्होंने कहा कोऑपरेशन मेंटेन रखो यानी सब कोऑर्डिनेशन में रहो, एक 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 बंदे के हिसाब से काम मत करो। फोर्थ उन्होंने कहा डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक पर्सन का जितने भी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं। वो चार प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाई है दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात, मैं क्लास 12th का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस एक तरफ ही मिल जाएंगी दोस्तों। प्लेलिस्ट में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस आपको आगे जाके मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।